गाइस, तो आज आपके सामने फिर से एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर के आई हूँ जो कि है लॉरियन इन्फेलिबल 24 आवर्स फाउंडेशन का रिव्यू। तो इस फाउंडेशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये फाउंडेशन मेरा वन ऑफ दी फेवरेट फाउंडेशन में से एक है। बस ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करती हूँ और बताती हूँ मैं आपको कि इसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले इसके पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं बहुत ही स्लीक सी बॉटल है और कांच की बॉटल है। जी हाँ, ये कांच की बॉटल है। ये इसका एक कॉज भी है कि कांच की बॉटल है, बहुत रिस्की है, अगर गिर जाएगी तो टूट जाएगी। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव फाउंडेशन में से एक है। 1200 रुपए का ये फाउंडेशन है, तो अगर गिर जाएगा तो आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर ये एक प्लास्टिक की बॉटल में होता तो शायद ज़्यादा अच्छा था। चलिए बात करती हूँ अपने शेड की। मेरा शेड है 140, मतलब 140 गोल्डन बैच। ये देखिए, तो ये अब बात करती हूँ इसकी एमआरपी की। तो ये है 1200 रुपए का, जैसे मैंने आपको बताया। और बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। ये है 30 ml की बॉटल और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो है 2018 से लेके 2020 तक। और अभी इसकी 3 से 4 महीने सेल्फ लाइफ बची हुई है, तो मैं इसको अभी अच्छे जल्दी जल्दी यूज़ करूँगी जिससे कि ये ख़त्म हो जाए। और मैं इसको पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप देखें कि मैक को कोई अगर कंपेयर कर सकता है तो शायद हाँ, ये थोड़ा हद तक कंपेयर कर सकता है। और जैसा कि ये क्लेम करता है कि ये स्टे फ्रेश फाउंडेशन फाइट्स मेकअप मेल्ट डाउन 24 आवर्स, तो जी हाँ, ये फाइट करता है लेकिन 24 घंटे नहीं करता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये आपका 10 घंटे तो आपके फेस पे ये आराम से स्टे करता है। मैंने खुद इसको मतलब एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खुद इसको ऐसे यूज़ किया है। तो आप चाहें तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा फाउंडेशन ढूंढ रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव और अच्छा फाउंडेशन, तो आप ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। फाउंडेशन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही जेंटल निकल आता है। आप एक पंप करेंगे, आराम से आपके हाथ पे आ जाएगा। और कितना रनी है आप देख सकते हैं, ये मेल्ट डाउन हो रहा है, मतलब कि मेरे हाथ पे ये स्लिप कर रहा है। तो जब हम इसको ऐसे अप्लाई करते हैं तो आप देखिए, आपके हाथ में ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा आपको फिनिश देता है। और बस आप इसको अपना, अगर आप चाहें तो आप कॉम्पैक्ट से ना भी सेट करें तो भी ये आपके फेस पे बहुत अच्छा लुक देगा। तो ज़रूर आप लोग अगर अच्छा फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो इसको परचेज़ करिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, किसका रिव्यू देखना चाहते हैं, ये कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर इस बॉटल के पीछे लिखा हुआ है, ये नो ट्रांसफ़र, नो विजिबल शाइन, नो ड्राई आउट और वाटर रेजिस्टेंट है। तो देखिए, मैंने अभी अपने आप हाथ को गीला किया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि ये जल्दी से छूटने वाला नहीं है। अगर आपके हाथ फेस पे पसीना आता है तो भी ये जल्दी से छूटने वालों में से नहीं है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक और अच्छे से रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।